जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जीवित रखने के लिए पाकिस्तान हमेशा नए नए हथकंडे अपनाता आया है। अब पाकिस्तान ने ड्रोन की मदद से मादक पदार्थों की तस्करी शुरू की है ताकि जम्मू कश्मीर के युवाओं को नशे में धकेला जा सके और आतंकियों तक पैसा भी पहुंचता रहे। पाकिस्तान के इन हथकंडों को विफल करने के लिए भारतीय सेना ने जहां सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी है, वहीं सीमावर्ती युवाओं को भी नशे से दूर रहने के प्रति लगातार जागरूक कर रही है। इसी कड़ी में सेना की भीमर गली ब्रिगेड के अंतर्गत आने वाली मेंढर बटालियन राजपूताना राइफल की तरफ से सीमावर्ती क्षेत्रों के विभिन्न गांवों में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया गया, जिसमें युवाओं व ग्रामीणों को नशे से दूर रहने के प्रति जागरूक किया गया। सेना की तरफ से बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्कूली छात्र व ग्रामीण शामिल रहे। सेना की तरफ से ये कार्यक्रम करवाने का एक ही मकसद था कि बॉर्डर के लोगों को जागरूक किया जाए ताकि वे अपने बच्चों को नशे से दूर रखें। कार्यक्रम के दौरान युवाओं व ग्रामीणों को नशा मुक्त भारत की एक शपथ भी दिलाई गई, जिसमें उन्होंने संकल्प लिया कि वे नशा नहीं करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। इस मौके पर सेना के अधिकारियों समेत विभिन्न ग्रामीण उपस्थित रहे। मेरा नाम साहिल अकरम है, मैं जीएमएस रेला से आया हूँ। आज हमें बहुत ही कुछ पता चल गया है कि ड्रग्स से कई लोगों की जान जा सकती है और हमें ये ड्रग्स जितने भी नशे हैं ये हमें नहीं करने चाहिए, ये हमारी जो लाइफ है ये ख़राब कर देते हैं। तो मेरे ये आर्मी वाले अंकल से भी थैंकफुल है कि उन्होंने हमारे लिए इतना प्रोग्राम किया। आज जैसे हमारा प्रोग्राम था इधर राजरीफ ने करवाया नशा मुक्त, तो टीम भी आई हुई थी बाहर से, उन्होंने भी यही हमें बताया, उन्होंने भी प्रोग्राम किया, ड्रामे किए, उनमें ये भी यही बात बताई हमें बार बार के नशा नहीं करना है, क्योंकि नशे के काफ़ी डिसएडवांटेजेस होते हैं। एक होता है एक्टिव स्मोकर, एक होता है पैसिव स्मोकर, उसके बारे में ही बताया। जो पैसिव होता है वो जैसे हम यहाँ पर दो फ्रेंड बैठे हैं, ये आपस में लोग बैठे हैं, वो नशा कर रहे हैं, तो वो पी रहा है तो उसके साथ जो उसका फ्रेंड होगा वो भी उसके साथ मुलव्वस हो जाएगा उसमें। जी मेरा नाम सरफराज अहमद है, मैं डेरी डेपसी बॉर्डर से बिलोंग करता हूँ। तो आज यहाँ जो भी ये प्रोग्राम आर्मी ने हमारा किया बहुत ही अच्छा, हमें नशीली शय से बचने की हदायत दी। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इंडियन आर्मी का, बिलखसूस 15 राजपूताना राइफल, जिन्होंने ये हमारा यहाँ प्रोग्राम पार्टिसिपेट किया। मेरा नाम इरफान है, मैं डेरी डेपसी गाँव से हूँ, और आज जो ये प्रोग्राम इंडियन आर्मी से हुआ है, उन्होंने बताया कि नशा और ऐसे नशे करने से बचना है और अच्छे काम करना है, नशों से दूर रहना है। तो मैं इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ।